ये दुनिया अचरजों से भरी पड़ी है और खासकर जंगल, जहाँ इंसानी पहुँच बहुत सीमित है। इन जंगलों में ऐसे कई जानवर और पंछी हैं जो इतने अनोखे और हैरतअंगेज हैं कि उन्हें एक बार देखने पर तो लगता है जैसे ये जरूर किसी और प्लेनेट से आए हैं, या जरूर किसी फिक्शन मूवी का कोई सीन है, या फिर किसी फेरी टेल के काल्पनिक जानवर जिसका असलियत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मगर दोस्तों, ऐसे अद्भुत और कमाल के जानवर सचमुच इस धरती पर मौजूद है जिन्हें हम मिथिकल क्रिएचर्स मानने की भूल कर बैठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मिथिकल क्रिएचर से भरा ये वीडियो जो इस दुनिया में सच में पाए जाते हैं। नंबर 10, स्टार नोज्ड मोल। जरा इस छछुंदर पर नजर डालिए। देखा है इतना अजीब मोल आपने अपने जीवन में कभी? पीछे से देखो तो चूहा लगता है, सामने से देखो तो खिला हुआ फूल लगता है। ये अजीब सा क्रिएचर नॉर्थ अमेरिका के नदन पार्ट्स में पाया जाता है। ये जो इसके मुंह के आगे अजीब सी उंगलियों वाली चीज देख रहे हैं ना, ये इसकी नाक है। जी हाँ, उंगलियों वाली नाक। इन्हें अपेंडिजेस कहते हैं और ये संख्या में 22 होते हैं। इन अपेंडिजेस की सबसे कमाल की खासियत ये है कि ये हाईली सेंसिटिव होते हैं, यानी ये अपने आसपास होने वाली हर हरकत को बहुत ही जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है। ये काबिलियत इसे शिकार करने में बड़ी मदद करती है। अपने शिकार को ये सेकंड के चौथे हिस्से से भी कम समय में पकड़कर चट कर जाते हैं, यानी बेचारे शिकार को कुछ समझ आए उससे पहले ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इस मोल की यही खूबी इसे दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक बनाती है। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये छोटा सा मॉन्स्टर। नंबर 9, वैम्पायर डियर। कभी वैम्पायर की तरह दिखने वाला हिरण देखा है? ये लीजिए, आपकी अजीब सी इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। ये जो दो दांत आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल असली है और इस हिरण के अपने खुद के हैं। ये दांत इस हिरण को बहुत भयानक ना भी बनाते हो, मगर अजीब और अटपटा जरूर बना देते हैं। इस तरह का अजीब जानवर दुनिया के सबसे अजीब देश में ही पाया जाता है। जी हाँ, चाइना। इन दांतों का मेन काम होता है, इनका कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ दिखाने के हैं। ये बेचारे हिरण तो शाकाहारी होते हैं और फूल पत्ती खाते हैं। शिकार करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे में इन दांतों का उपयोग शिकार के लिए तो हो ही नहीं सकता, और फिर मुंह के बाहर रहते हैं तो चबाने के काम भी नहीं आते। तो सारी एनालिसिस के बाद हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि कुदरत ने इन बेचारे हिरण को ये दांत देकर बेवकूफ बना दिया। अगर आपने किसी किस्से कहानी या किसी फिक्शन मूवी में इस तरह के वैम्पायर डियर को खतरनाक रूप में देखा हो तो मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा। नंबर 8, टार्डीग्रेड। आपने किस्से कहानियों में तो कई ऐसे क्रिएचर्स पढ़े या सुने होंगे जो अमर हो, मगर क्या ऐसे किसी जीव को जानते हैं जो सचमुच इस धरती पर एग्जिस्ट करता है और जो अमर है? मिलिए 8 पैरों वाले इन जनाब से। इनका नाम टार्डीग्रेड है। ये इतने अजीब दिखते हैं कि इस दुनिया के लगते ही नहीं। इनकी साइज इतनी छोटी है कि नंगी आंखों से तो दिखते ही नहीं। जी हाँ, ये 1 मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं और इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ती है। ये दुनिया के किसी भी हिस्से में मिल सकते हैं और किसी भी मौसम में आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। ना इन पर कड़कड़ाती ठंड का कोई असर होता है और ना चिलचिलाती गर्मी इनका कुछ बिगाड़ पाती है। एक्सट्रीमली हाई प्रेशर इनका बाल भी बाका नहीं कर पाता और किसी प्रकार के जहर का भी इन पर कोई असर नहीं होता। ये भाई साहब तो अंतरिक्ष में भी आसानी से सरवाइव कर लेते हैं, वहाँ आराम से बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये इमॉर्टल क्रिएचर? नंबर 7, सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज। अब जरा इस पंछी पर नजर डालिए। इसे देखकर लगता है मानो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हो। दिखने में जरा सा है, केवल 26 सेंटीमीटर लंबा, मगर खूबसूरती के मामले में सारे ही रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं इसने। ये पंछी नॉर्मल बर्ड ऑफ पैराडाइज से अलग होता है और न्यू गिनी में पाया जाता है। इस प्रजाति की नर और मादा में भी डिफरेंस होता है। मेल बर्ड के ऊपर खूबसूरत काले फर होते हैं और माथे पर ये खूबसूरत सा मुकुट। इसके अलावा इसके सीने के आगे ये जो ब्लू ग्रीन कवर होता है, ये इसे अलग ही रूप देता है। मखमली काले फर से सजी ये केप के आकार की डिजाइन जो इसकी पीठ को कवर करती है, ये खुलकर पीछे किसी मोर के पंखों जैसी फैल जाती है। वही फीमेल बर्ड रेडिश ब्राउन कलर की होती है। जब भी ये मेल बर्ड अपने फीमेल पार्टनर के साथ मिलकर डांस करता है तो वो नजारा देखने लायक होता है। जब मेल बर्ड अपनी पीछे की केप को फैलाकर इधर उधर फुदकता है तो सचमुच देखकर ऐसा लगता है मानो स्वर्ग में बैठकर साक्षात अप्सराओं का डांस देख रहे हो। इस कमाल की चिड़िया पर एक लाइक तो बनता है यार। नंबर 6, नॉवल्स।
आपने यूनिकॉर्न के बारे में तो सुना होगा। ये ऐसा काल्पनिक घोड़ा है जो उड़ सकता है और इसके माथे पर एक नुकीला सींग होता है। खैर, ये केवल किस्से कहानियों में मिलता है, असल में ऐसा कोई जानवर नहीं होता। मगर क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं कहूँ कि समंदर के अंदर यूनिकॉर्न की तरह एक जानवर रहता है? जी हाँ, नावल्स। ये देखिए, इस मछली के माथे पर बिल्कुल एक यूनिकॉर्न की तरह ही सींग है, इसलिए इसे पानी का यूनिकॉर्न भी कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सारी मछलियों से अलग इस मछली के सिर पर ये सींग कहाँ से आया? दरअसल ये सींग नहीं है, सामने वाला एक दांत है जो बढ़कर बाहर की तरफ आ गया और बिल्कुल एक सींग की तरह दिखता है। इस सींग का इस्तेमाल नावल्स अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने और शिकार को पकड़ने के लिए करती है। कभी कभी मेल नावल्स को मस्ती में और खेल खेल में इन सींगों को तलवार की तरह इस्तेमाल करते लड़ते हुए भी देखा गया है। सच में इस जानवर का असलियत में होना मुझे तो बहुत शॉकिंग लगा। आपका क्या ख्याल है? नंबर 5, स्क्विड्स। आपने फिल्मों में देखा होगा, पानी में बहुत ही विशाल और खतरनाक क्रिएचर रहता है जो समंदर के मुसाफिरों को अपना शिकार बनाता है, जिसके सैकड़ों दांत होते हैं और ऑक्टोपस की तरह हजारों भुजाएं, जो साइज में इतना बड़ा होता है कि एक बड़े से जहाज को पूरा का पूरा निगल जाए। इसे कहानियों में क्रैकन नाम दिया गया है। खैर, सच्चाई में तो ऐसा खतरनाक और विशालकाय जीव नहीं होता। हाँ, मगर इसी की तरह दिखने वाला एक जानवर वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है। समंदर की गहराइयों में रहने वाले इस जीव को स्क्विड कहा जाता है। इसके मुंह पर भी ऑक्टोपस की तरह ढेर सारी भुजाएं होती है, मगर ये ऑक्टोपस से अलग है क्योंकि पीछे की तरफ इसकी पूंछ बहुत लंबी है। नॉर्मली तो ये साइज में छोटी होती है, मगर कुछ स्क्विड्स 60 फीट और 1000 किलो तक वजन के भी देखे गए हैं, जो इतने बड़े हैं कि 10 आदमियों को एक साथ खा जाए। खैर, ये समंदर में बहुत गहराई में रहते हैं और इंसानों से इनका पाला कम ही पड़ता है, इसलिए इन्हें इंसानों के लिए खतरनाक नहीं कहा जा सकता। नंबर 4, गोल्डन क्राउन फ्लाइंग फॉक्स। नहीं, ये उड़ने वाली लोमड़ी नहीं है, ये तो एक चमगादड़ है जो साइज में इतनी बड़ी होती है कि विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कोई क्रिएचर असलियत में भी एग्जिस्ट कर सकता है। आप खुद सोच कर देखिए कि इंसान के बराबर की चमगादड़ हजारों की संख्या में आपके सिर के ऊपर आसमान में मंडरा रही हो तो आपकी क्या हालत होगी। ये किसी फिल्म का काल्पनिक सीन ज्यादा लगता है, मगर फ्लाइंग फॉक्स एक सच्चाई है। फिलीपींस के जंगलों में इन चमगादड़ों के झुंड को आसानी से देखा जा सकता है। यूं तो इनकी साइज 7 से 8 इंचेस ही होती है, मगर जब ये पंख फैलाते हैं तो एक इंसान के बराबर हो जाती है। इनके पंखों का फैलाव करीब 5 से 6 फीट तक हो जाता है। ये साइज में और दिखने में भले ही डरावनी लगती हो, मगर सच्चाई तो ये है कि ये बेचारी शाकाहारी होती है, फल पत्तियां खाती है, इसलिए हम इंसानों को इनसे खतरा लगभग ना के बराबर है। जो भी हो, मगर जिस तरह का ये क्रिएचर है, सचमुच किसी डरावनी कहानी के किसी खूंखार किरदार की याद दिलाता है। आपका क्या कहना है इस फ्लाइंग फॉक्स के बारे में? नंबर 3, द मैन वोल्फ। अब जरा इस अजीब से जानवर को देखिए, ना तो इसे आप फॉक्स कह सकते हैं, ना ही वोल्फ कह सकते हैं। लगता है किसी कहानी का कोई मनगढ़ंत जानवर है जो अमावस्या की रात को इंसानों का कत्ल करता होगा, मगर ऐसा नहीं है। ये जानवर असलियत में एग्जिस्ट करता है और अपनी ही तरह का ये अनोखा जीव है। इसे नाम दिया गया है मैन वोल्फ। लंबी लंबी टांगों वाले इस जानवर को देखकर लगता है कि जरूर इसे जिराफ बनना होगा, मगर गलती से वोल्फ बन गया। टांगों के ऊपर ये काला रंग देखकर लगता है जैसे भाई साहब ने जूते पहन रखे हैं। साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला ये जानवर बहुत ही अलग और अजीब क्रिएचर है। ये अपने जीवन का ज्यादातर वक्त अकेले ही बिताते हैं और जब मेटिंग करना हो तब ही किसी पार्टनर की तलाश करते हैं। आप इस जानवर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 2, रेड युआकारी। अब जरा इस लाल मुंह के बंदर को देखिए, इतना डरावना बंदर मैंने आज तक नहीं देखा। आपने जरूर किसी कहानी या फिल्म में ऐसे किसी बंदर को विलेन के रूप में देखा होगा। सूरत देखकर लगता है जैसे भाई साहब बहुत गुस्से में है, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल इनके समाज में तो लाल चेहरा होने का मतलब है कि बंदर बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव है। हमारे लिए भले ही ये गंजे बंदर बेहद डरावने हो, मगर इनकी बिरादरी में इन गंजों पर बंदरियां मरती है। जिन बंदरों के चेहरे का रंग फीका होता है उन्हें कमजोर सेहत वाला माना जाता है और उन्हें कोई भी अपना साथी बनाना पसंद नहीं करता। इन बंदरों की एक और खासियत यह है कि इनकी पूंछ ज्यादा लंबी नहीं होती। खैर, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये और बंदरों की तरह ही आसानी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा लेते हैं। नंबर 1, कैसोवेरी।
अब जरा इस अजीब से क्रिएचर पर नजर डालिए। ये कुछ कुछ मोर जैसा लगेगा आपको, मगर कभी इससे पाला पड़ गया तो पक्का फिल्म्स में दिखाए जाने वाले डायनासोर्स की याद आ जाएगी। ये जैसा दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जरा इसके पंजे तो देखिए, कभी किसी पक्षी के इतने बड़े पंजे देखे हैं आपने? इन पंजों की मदद से ये पक्षी बहुत तेज दौड़ भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही आक्रामक पंछी है और इसके सिर पर इंसानों के कत्ल का इल्जाम भी लगा हुआ है। जी हाँ, ये इंसानों को भी मार सकता है, इसलिए इसका एक नाम मर्डर बर्ड भी है। यूं तो ये फल फूल ही खाता है, मगर इसकी डाइट से इसके मूड का अंदाजा मत लगाइएगा। ये सचमुच बहुत ही भयानक और खूंखार पक्षी है। तो ये थे कुछ चुनिंदा मिथिकल क्रिएचर्स जो सचमुच जंगल में एग्जिस्ट करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा इन सारे जानवरों में से आपको सबसे मजेदार और भयानक जानवर कौन सा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।